हेलो व्यूवर्स, आज के हम शॉर्ट वीडियो में जानने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो कंजक्टिवाइटिस के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा कंजक्टाइवा के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली कंजक्टाइवा क्या होता है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कंजक्टाइवा क्या है, हमारी आई का एक पार्ट होता है। ये किस जगह, इसका लोकेशन कहाँ होती है एंड एग्जैक्ट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है स्क्लेरा और कंजक्टाइवा में कन्फ्यूज रहते हैं कि स्क्लेरा कहाँ होता है एंड कंजक्टाइवा कहाँ होता है। तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी आईबॉल होती है एंड इसमें आप ब्लैक वाला जो पार्ट देख रहे हैं वो हमारी कॉर्निया है एंड उसके अंदर जो हमारा आइरिस है और हमारा क्या है प्यूपल है, बट बाहर क्या है उसके ऊपर एक डोम शेप्ड जस्ट लाइक अ वॉच, एक डोम शेप्ड का क्या है कॉर्निया होती है। एंड कॉर्निया के जो अराउंड वाला जो पार्ट है, जो वाइट वाइट पार्ट दिख रहा है मेन, ये स्क्लेरा होता है। अब बात करते हैं कि फिर कंजक्टाइवा की लोकेशन कहाँ होती है, तो कंजक्टाइवा की जो लोकेशन होती है वो हमारी स्क्लेरा के ऊपर होती है। जैसे हमारा वाइट वाला पार्ट का स्क्लेरा है एंड स्क्लेरा के ऊपर ही एक म्यूकोपुरुलेंट लेयर होती है कंजक्टाइवा की। किसके ऊपर होती है? स्क्लेरा के ऊपर। कॉर्निया के ऊपर नहीं होती, ये सिर्फ स्क्लेरा के ऊपर होती है, क्योंकि कॉर्निया का एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। अगर कॉर्निया के ऊपर ये लेयर होगी तो क्या है, हमें कोई भी चीज़ क्लियरिटी के साथ नहीं दिखाई देगी। तो जो हमारा कंजक्टाइवा जो रहता है वो स्क्लेरा के ऊपर लोकेटेड रहता है। म्यूकोपुरुलेंट एक लेयर होती है, ट्रांसल्यूसेंट म्यूकोपुरुलेंट लेयर होती है जो क्या है कंजक्टाइवा होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई होगी कि एग्जैक्ट जो कंजक्टाइवा होता है वो कहाँ होता है, किस जगह लोकेटेड होता है। देन अगर हमारा इन्फेक्शन होता है तो आपने देखा होगा, हम काफ़ी बार क्या है जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप उसको देख सकते हैं कंजक्टाइवा जो है वो थोड़ा थोड़ा अलग होने लगता है, मीन्स उसकी लेयर जो है वो अलग होने लगती है। किसकी? कंजक्टाइवा की, इन्फेक्शन की कंडीशन में। तो कंजक्टाइवा में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। जो इन्फेक्शन हो रहा है या फिर जो कंजक्टिवाइटिस हो रहा है वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, वायरल की वजह से भी हो सकता है, फंगल की वजह से भी हो सकता है, एलर्जन जो होते हैं जिस कंडीशन में एलर्जी देखने को मिलती है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। तो ये कई तरह की होती हैं एंड उनका ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस तो बैक्टीरियल मेडिसिन यूज़ करते हैं, वायरल है तो एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ करते हैं। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा एंड वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।